हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडिटोरियल इनसाइट्स। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूँ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वह है कि एडिटोरियल्स के थ्रू हम फोकस करेंगे कॉम्प्रिहेंशन पे, वोकैब पे एंड एनालिसिस पे। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, अपनी वोकैबलरी और अपनी एनालिटिकल स्किल्स इम्प्रूव करेंगे। सो ये एडिटोरियल इनसाइट्स 4 डेज अ वीक वीडियोज़ अवेलेबल होंगी। जो भी हम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे तो वो एंड ऑफ द वीडियो होंगी, जहाँ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर पीडीएफ भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, चलो। सो एडिटोरियल्स पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि हमें रीडिंग स्पीड इम्प्रूव करनी है। जिस टाइप के पैसेज एग्जाम में आते हैं, ठीक है, उस टाइप की लैंग्वेज हमें रीड करने की आदत होनी चाहिए। और जब जितना ज़्यादा हम रीड करेंगे एडिटोरियल्स, उतनी ज़्यादा हमारी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि हम जितना रीड करेंगे, हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे, तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। और जो जब आप मेंस एग्जाम देंगे, वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का सेक्शन होता है, तो वहाँ पर एसे लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अपना पॉइंट फॉरवर्ड पुट फॉरवर्ड करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो उसके लिए फॉडर पॉइंट्स यानी कि ऐसे स्मॉल इंफॉर्मेशनल पॉइंट्स, कोई रिपोर्ट है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, कोई स्टैटिस्टिक है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ इंटरव्यू में या ग्रुप डिस्कशंस में, वहाँ पर अपने आपके ओपिनियंस जो हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। ओपिनियन फॉर्म करने के लिए भी हम एडिटोरियल्स रीड करते हैं। सो इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा। सो एडिटोरियल्स का सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? डिफरेंट टाइप के डिफरेंट थीम्स हम कवर करेंगे, और उसके अलावा डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल के एडिटोरियल्स भी हम देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस वो अवेलेबल होंगे पीडीएफ के साथ। कॉम्प्रिहेंशन पे हम फोकस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे थीम किसी एक आर्टिकल की, उसके अलावा ऑथर के ओपिनियंस, ठीक है, सेंट्रल आइडिया, टोन, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है एडिटोरियल इनसाइट्स, ये इंग्लिश सेक्शन पे फोकस करता है। अगर आप जीएस सेक्शन प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप करंट अफेयर्स 3rd का बाय राजन सर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो। सो अपना आज का हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद रीड कीजिए विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम कोई भी डिक्शनरी से, कोई कहीं से भी, बिना हेल्प के सिंपली रीड कीजिए और फिर हम डिस्कस करेंगे। सो 3 पेजेस में है। ठीक है, नेक्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट पेज, ऑल राइट। सो आई होप आपने ये एडिटोरियल रीड कर लिया है। लेट्स स्टार्ट। सो एन ICMR बैक्ड स्टडी हैज थ्रोन लाइट ऑन द वरिंग प्रोपोर्शंस अज्यूम्ड बाय लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस इन द कंट्री। तो जो हमारा पैसेज है, उसकी इंट्रोडक्शन सीधा स्टार्ट हो रही है। क्या हो रहा है वहाँ पर कि ICMR बैक्ड स्टडी, बैक्ड मतलब सपोर्टेड, ठीक है, सपोर्टेड बाय ICMR। तो ICMR देखो बैग्ड क्या है, सेकंड फॉर्म वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है, और ICMR नाउन है। तो उनको हमने यूज़ कर रहे हैं हम एज एन एडजेक्टिव, हाइफन यूज़ किया तो कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया। तो ये स्टडी को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो कैसी स्टडी थी? ICMR बैग्ड स्टडी थी। सो एन ICMR बैग्ड स्टडी हैज़ थ्रोन लाइट ऑन द वरिंग प्रोपोर्शंस। अब उसने क्या किया? इट हैज़ थ्रोन लाइट, लाइट थ्रो करना या लाइट शेड करना। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? दैट मीन्स कि आप कोई चीज़ रिवील कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो किस चीज़ के बारे में हमें पता चला? ऑन, इट हैज़ शेड लाइट ऑन। तो शेड लाइट के बाद हम ऑन यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन। तो शेड लाइट ऑन व्हाट? द वरिंग प्रोपोर्शंस अज्यूम्ड बाय लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज इन द कंट्री। तो वरिंग प्रोपोर्शंस, अब यहाँ पर वरिंग क्या है? क्या यहाँ पर वरी तो वर्ब होता है, तो क्या यहाँ पर वरिंग वर्ब है?
देखो ऑन द वरिंग प्रपोर्शंस, अब यहाँ पे वरिंग क्या है, इट्स वरी प्लस आई एन जी, इट्स एन एडजेक्टिव जो किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्रपोर्शंस को, ठीक है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, वरिंग प्रपोर्शंस। तो यहाँ पर वरिंग वर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है जो मॉडिफाई कर रहा है नाउन प्रपोर्शंस को। अब प्रपोर्शंस का क्या मतलब है, हमने रेशियो एंड प्रपोर्शंस तो पढ़ा है, एक तो वो प्रपोर्शन होता है जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, उसके अलावा प्रपोर्शन एक और मीनिंग होता है, वो होता है कि साइज, ठीक है, या फिर डायमेंशंस। जैसे कि जो ICMR की स्टडी है उसने उसने किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, ऑन द वरिंग प्रपोर्शंस, वरिंग साइज या डायमेंशंस एज्यूम्ड बाय लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस। तो जो ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं, इन्होंने जो ये वरिंग प्रपोर्शंस यानी इतने लार्ज स्केल पे ये फैल गई हैं, ठीक है, कि वो चिंताजनक है, वरिंग, ठीक है, एडजेक्टिव। सो उसके ऊपर लाइट थ्रो कर रही है वो स्टडी। तो ये फर्स्ट सेंटेंस क्लियर है, ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा, वरिंग यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, प्रपोर्शंस का मीनिंग भी क्लियर होगा। अच्छा, एज्यूम का मतलब क्या हुआ, एज्यूम करना कि हम कोई चीज़ मान लेते हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, पर यहाँ पर एज्यूम का मीनिंग भी डिफरेंट है, ठीक है। तो यही यही चीज़ तो हमें इन्हीं चीज़ों का तो हमें ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमने सिर्फ एक ही मीनिंग पढ़ा है वही मीनिंग हो, कई बार वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स भी होते हैं, यही हमने दो वर्ड्स देखे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे वरिंग देख लिया हमने, उसके अलावा अज्यूम्ड, अज्यूम्ड का यहाँ पर क्या मीनिंग है, अज्यूम्ड बाय लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस। तो जब कोई चीज़ कोई दूसरा रोल अडॉप्ट कर लेती है या टेक ऑन कर लेती है, ठीक है, यहाँ पर जो डिजीजेज हैं उन्होंने एक वरिंग प्रपोर्शन, यानी कि वो दे हैव टेकन अप, दे हैव बिकम वेरी लार्ज, ठीक है, दे हैव बिकम वरिंगली लार्ज। तो यहाँ पर एज्यूम्ड का मतलब क्या होगा, टेकन अप, सो दे हैव ऑन द वरिंग प्रपोर्शंस एज्यूम्ड बाय लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, ठीक है, कि बहुत लार्ज स्केल पे वो फैल चुके हैं। पब्लिश लास्ट वीक इन द मेडिकल जर्नल द लेंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी the decade long study spearheaded by Dr. Mohan's Diabetes Specialist Center is the biggest representative estimate of metabolic disorders in India. अब यहाँ पर subject क्या है, published last week in the medical journal है, the Lancet Diabetes and Endocrinology है, क्या है, तो ये हमारा subject है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है हम जो subject है वो हम बाद में लिखते हैं, तो पहले verb है, ठीक है, published last week in the मेडिकल जर्नल, ठीक है, पैसिव वॉइस में है, सो कहाँ पब्लिश हुई इसमें, ठीक है, सो यहाँ पर फिर मेडिकल जर्नल के बारे में बताया जा रहा है, उसका नाम क्या है, ये नाम है द डेकेड लॉन्ग स्टडी। तो ये डेकेड लॉन्ग स्टडी उसकी बात हो रही है, ठीक है, ओके ओके। तो सब्जेक्ट यहाँ पर लैंसेट नहीं है, डेकेड लॉन्ग स्टडी है सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट है द डेकेड लॉन्ग स्टडी स्पीयरहेडेड बाय डॉक्टर मोहन्स डायबिटीज स्पेशलिस्ट सेंटर इज द बिगेस्ट रिप्रेजेंटेटिव एस्टिमेट। स्पीयरहेडेड का मतलब क्या होता है, स्पीयरहेड मतलब किसी चीज़ को लीड करना। तो ये जो स्टडी है ये किसने लीड की, डॉक्टर मोहन का जो ये सेंटर है उसने ये स्टडी को लीड किया था, ओके। तो ये स्टडी क्या है, इट इज़ द बिगेस्ट रिप्रेजेंटेटिव एस्टिमेट ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इन इंडिया। रिप्रेजेंटेटिव एस्टिमेट, अब जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हम क्या करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, ठीक है, वी टेक डेटा और उसके बेसिस पे फिर हम इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं कि ओके ये सैंपल हमने ये सर्वे किया, ठीक है, सैंपल के बेसिस पे इतने परसेंट लोगों को ये डिजीज़ है। तो वो रिप्रेजेंट, वो जो सैंपल है वो रिप्रेजेंट करता है पूरी पॉपुलेशन को, ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सन को नहीं चेक किया गया, एक सैंपल लिया गया पॉपुलेशन का और उस पर स्टडी की गई। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव एस्टिमेट की बात हो रही है, इसका मतलब कि ये इंडिया की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है जो भी ये स्टडी है, इसमें जो सैंपल लिया गया। तो रिप्रेजेंटेटिव एस्टिमेट, एस्टिमेट क्या होता है, एक रफ कैलकुलेशन किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो ये जो एस्टिमेट किया गया है ये बिगेस्ट है, ठीक है, ये स्टडी ने जो भी एस्टिमेट किया ये बिगेस्ट रिप्रेजेंटेटिव एस्टिमेट है इंडिया में जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनका। इट रिवील्स का मीनिंग आपको पता है, ठीक है, रिवील का मतलब क्या होता है, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, हिडन इन्फॉर्मेशन, उसको
बता देना, डिस्क्लोज कर देना. सो इट रिवील्स, क्या बताया इसने, दैट मोर देन अ टेंथ ऑफ द पीपल इन द कंट्री हैव डायबिटीज. ओके, 35% हैव हाइपरटेंशन एंड 28% हैव हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. तो ये हमें, ये स्टडी ने ये चीज़ें रिवील किए. द बर्डन ऑफ दीज डिसऑर्डर्स इज हायर इन अर्बन एरियाज. सो बर्डन, व्हाट डज बर्डन मीन, बर्डन क्या होता है, एक कोई हैवी लोड, ठीक है, जिसको कैरी कर रहे होते हैं हम. तो यहाँ पर बर्डन का मतलब क्या है, बर्डन ऑफ दीज डिसऑर्डर्स, ठीक है, जैसे डिजीज बर्डन की बात करते हैं. तो यहाँ मीनिंग वो कन्वे कर रहा है कि जो इन डिजीजेस का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पर होगा. द बर्डन ऑफ दीज डिसऑर्डर्स इज हायर इन अर्बन एरियाज, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा है. बट ठीक है, कंट्रास्ट क्या है कि पीपल इन रूरल सेंटर्स आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग वल्नरेबल टू मेटाबॉलिक डिजीजेस, स्पेशली डायबिटीज. कि अर्बन एरियाज में तो ज़्यादा है इन डिजीजेस का जो बर्डन, लेकिन रूरल एरियाज भी पीछे नहीं है. दे आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग वल्नरेबल, तो पहले से और ज़्यादा वल्नरेबल होते जा रहे हैं. वल्नरेबल का मतलब क्या होता है कि एट रिस्क, ठीक है, तो वो और ज़्यादा रिस्क पे आते जा रहे हैं. किस चीज़ के रिस्क पे, मेटाबॉलिक डिजीज़, जिनमें से एक है डायबिटीज, स्पेशली डायबिटीज़. तो कौन सी मेटाबॉलिक डिजीज़ जो है वो रूरल एरियाज़ को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, डायबिटीज़. देयर इज फॉर इंस्टेंस ऑलमोस्ट नो रूरल अर्बन डिवाइड व्हेन इट कम्स टू प्री डायबिटीज़. मोर देन 60% ऑफ प्री डायबिटिक पीपल इन इंडिया एंड अप हैविंग द डिजीज. सो देयर इज, अब यहाँ पर देखो, फॉर इंस्टेंस का मतलब क्या होता है. फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई एग्जाम्पल कोट करते हैं हम लिखते हैं फॉर इंस्टेंस, ठीक है. फॉर इंस्टेंस ऑलमोस्ट नो रूरल अर्बन डिवाइड, देयर इज ऑलमोस्ट नो रूरल अर्बन डिवाइड. तो अब यहाँ पर डिवाइड क्या है, क्या ये वर्ब है, ठीक है, क्या ये नाउन है, क्या ये एडजेक्टिव है. सो देयर इज ऑलमोस्ट, अब देयर इज, ठीक है, देयर इज वॉट, ऑलमोस्ट नो रूरल अर्बन डिवाइड, तो ये एडजेक्टिव है, रूरल अर्बन, ठीक है, हाइफन है यहाँ, और रूरल एंड अर्बन हमने उन दोनों को कंबाइन किया, एडजेक्टिव्स को कंबाउंड एडजेक्टिव फॉर्म हुआ. तो ये डिवाइड एक नाउन है, ठीक है, इज का ऑब्जेक्ट है डिवाइड. देयर इज नो रूरल अर्बन डिवाइड. तो डिवाइड का क्या मीनिंग होता है, डिवाइड का मतलब होता है सेपरेशन, ठीक है, दो गैप. सो रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में डिफरेंस नहीं है. किस केस में, व्हेन इट कम्स टू प्री डायबिटीज. तो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में कोई डिफरेंस नहीं जब हम प्री डायबिटीज की बात करते हैं. अब यहाँ पर हाइफन है तो वो उसी पॉइंट को फर्दर वो सपोर्ट कर रहे हैं. कैसे, मोर क्यों नहीं है डिवाइड, क्योंकि मोर देन 60% ऑफ प्री डायबिटिक पीपल इन इंडिया एंड अप हैविंग द डिजीज. तो कोई रूरल अर्बन डिवाइड नहीं है, रूरल एरियाज हों चाहे अर्बन एरियाज हों, 60% जो प्री डायबिटिक पीपल हैं इंडिया में उनको डायबिटीज हो ही जाती है. द स्टडीज वार्निंग दैट द कंट्री इज ऑलरेडी सीरियस डायबिटीज बर्डन कुड टेक अ टर्न फॉर द वर्स इन द नेक्स्ट 5 years शुड बी टेकन सीरियसली बाय द कंट्रीज हेल्थ केयर सेक्टर. तो ठीक है कि जो ऑलरेडी सीरियस डायबिटीज बर्डन है इंडिया में, ऑलरेडी सीरियस डायबिटीज बर्डन है, कुड टेक अ टर्न फॉर द वर्स. टेक अ टर्न फॉर द वर्स का मतलब, ठीक है, आप थोड़ा गेस कर सकते हैं यहाँ पे, टेक अ टर्न फॉर द वर्स कि पहले से ही जो खराब सिचुएशन है वो और ज़्यादा खराब हो जाए, तब हम कहेंगे इट विल टेक अ टर्न फॉर द वर्स. तो यहाँ पर इसी चीज़ की बात हो रही है कि अगले 5 साल में और ज़्यादा खराब हो सकती है सिचुएशन. सो इट शुड बी टेकन सीरियसली बाय द कंट्रीज हेल्थ केयर सेक्टर. मोस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस NCDs इंक्लूडिंग डायबिटीज वर अर्लियर एसोसिएटेड विद ओल्डर एज ग्रुप्स. तो एसोसिएटेड विद मतलब लिंक्ड टू या लिंक्ड विद, ठीक है. पहले क्या होता था कि जो डायबिटीज़ है उनको ओल्डर एज ग्रुप्स, ओल्डर पीपल से एसोसिएट किया जाता था, माना जाता था कि ये डायबिटीज़ ओल्ड पीपल को ही होती है. बट अनहेल्दी डाइट्स, इनएडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी, एक्सपोजर टू टोबैको स्मोक. एक्सपोजर का मतलब क्या होता है कि कोई हार्मफुल चीज़ के कॉन्टैक्ट में आप आ जाते हो तो उसके लिए हम एक्सपोजर यूज़ करते हो. तो और दूसरा एक्सपोजर का एक और मीनिंग भी होता है, एक्सपीरियंस लेना, ठीक है. यू शुड गेट एक्सपोजर टू डिफरेंट फील्ड्स ऑफ वर्क. सो वहाँ पर एक्सपोजर का मीनिंग डिफरेंट है, वहाँ हार्मफुल नहीं है, ठीक है. तो लेकिन यहाँ पर टोबैको स्मोक की बात हो रही है तो यहाँ पर किसी हार्मफुल चीज़ के कॉन्टैक्ट में आना वो मीनिंग है. एंड अल्कोहल अब्यूज़ मीन दैट रेज्ड ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज
एंड ओबेसिटी हैव बिगन टू शो अप अमंग द रिलेटिवली यंग. तो ये सारी चीज़ें शो अप हो रही हैं. शो अप का मतलब क्या होता है? टू शो अप फॉर समथिंग फॉर समवन या टू शो अप एट अ मोमेंट का मतलब होता है कि उस मोमेंट पे प्रेजेंट होना. ठीक है, तो यहाँ पर स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग है. हैव बिगन टू शो अप अमंग द रिलेटिवली यंग. ठीक है, यानी कि हैव बिगन टू शो अप यानी कि सामने आना. ठीक है, तो हैव दे हैव बिकम टू हम कह सकते हैं दे हैव कम टू बिकम टू बी ऑब्जर्व्ड अमंग द रिलेटिवली यंग या नोटिस्ड. ऑब्जर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है, नोटिस्ड. ठीक है, अमंग द रिलेटिवली यंग. सेवरल स्टडीज हैव शोन दैट क्लोज टू 20% ऑफ डायबिटिक्स इन द कंट्री आर बिलो द एज ऑफ 45 एंड नियरली 45% पीपल ऑफ 45% ऑफ द पीपल विद द डिजीज आर नॉट सीनियर सिटीजन्स. ठीक है, तो 20% जो डायबिटिक्स हैं वो 45 की एज से कम है और 45% जो पीपल हैं वो सीनियर सिटीजन्स नहीं है जिनको डायबिटीज है. दीज स्टडीज हैव पॉइंटेड आउट. पॉइंट आउट करना क्या होता है? किसी चीज़ की तरफ ध्यान लेकर जाना. ठीक है, सो दे हैव पॉइंटेड आउट दैट द लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज इज एग्रेवेटेड. तो किस डिजीज़ की बात हो रही है? यहाँ पर डायबिटीज़ की ही बात हो रही है. तो डायबिटीज इज एग्रेवेटेड बाय पुअर अवेयरनेस. एग्रेवेट, व्हाट डज एग्रेवेट मीन? एग्रेवेट मीन टू बिकम वर्सन. ठीक है, टू वर्सन, पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाना. तो जो डिजीज़ है वो कैसे एग्रेवेट होती है? बाय पुअर अवेयरनेस, स्पेशली इन रूरल एरियाज. इन 2019, अ कोलैबोरेटिव स्टडी बाय द पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन द यूएस, यूके एंड जर्मनी रिवील्ड दैट ओनली हाफ ऑफ दोज एलिंग फ्रॉम डायबिटीज इन द 15 टू 80 एज ग्रुप वर अवेयर ऑफ द एलिमेंट. तो कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेशन क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग साथ में मिलकर काम करते हैं. तो कोलैबोरेटिव स्टडी क्या होगा? ऐसी स्टडी जिसमें बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वर्क किया. ठीक है, सो कोलैबोरेटिव स्टडी बाय दी ये इन इंस्टीट्यूट्स ने और इस फाउंडेशन ने और इंस्टीट्यूट्स ने इन कंट्रीज से, वो इंस्टीट्यूट्स से उन्होंने क्या रिवील किया कि जिन लोगों को डिजीज़ डायबिटीज़ है उनमें से सिर्फ हाफ ही हैं, ठीक है, जिनको अवेयरनेस है अपनी डिजीज़ की. तो एलिंग मीन्स सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, किसी डिजीज़ से सफ़र करते हैं हम यूज़ करते हैं एलिंग. सो और वही जो नाउन है उसका वो है एलमेंट. एलमेंट इज़ वॉट? डिजीज़. ठीक है, सो लास्ट ईयर द नेशनल एनसीडी मॉनिटरिंग सर्वे रिवील दैट 45% ऑफ द डायबिटिक्स इन द कंट्री वर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ कंडीशन एंड ओनली 15% हैड देयर ब्लड शुगर अंडर कंट्रोल. तो एक दूसरे सर्वे ने क्या बताया था कि 45% जो डायबिटिक्स हैं उन्हें पता है कि उन्हें डायबिटीज़ है. ठीक है, यानी कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता उन्हें डायबिटीज़ है एंड ओनली 15% उनमें से भी सिर्फ 15% थे जिनका ब्लड शुगर अंडर कंट्रोल था. सो द नेशनल हेल्थ मिशन डज रिकग्नाइज दैट द कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग अ रैपिड हेल्थ ट्रांजिशन विद एनसीडीज. तो जो नेशनल हेल्थ मिशन है इट डज रिकग्नाइज. तो रिकग्नाइज का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो इट रिकग्नाइज यानी कि यहाँ पर जो मीनिंग है वो है एक्नॉलेजेस, यानी कि वो मानता है, जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसने एक्नॉलेज किया है कि जो कंट्री है इट इज़ एक्सपीरियंसिंग अ रैपिड. व्हाट डज रैपिड मीन? यस, रैपिड मीन्स क्विक. ठीक है, तेज़ी से. सो अ क्विक हेल्थ ट्रांजिशन. ट्रांजिशन क्या होता है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना. ठीक है, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में चेंज होना. हम शिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर. सो एक शिफ्ट नोटिस किया जा रहा है और वो बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, इंक्लूडिंग लाइफ स्टाइल डिजीजेज सच एज डायबिटीज सरपासिंग द बर्डन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज इन द पास्ट डेकेड. तो पास्ट डेकेड में क्या हुआ कि जो जो एनसीडीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जैसे कि डायबिटीज, उन्होंने सरपास कर दिया कम्युनिकेबल डिजीजेज को. तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ज़्यादा हो गए कम्युनिकेबल डिजीजेज से. What does surpass mean? Surpass mean किसी चीज़ को एक्सीड करना, किसी चीज़ से ज़्यादा हो जाना. तो यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज से ज़्यादा बढ़ गए. तो ये इस ट्रांजिशन की बात हो रही है यहाँ पे.
ठीक है. सो हाउएवर, लेकिन फिर भी हम हाउएवर कब हम यूज़ करते हैं, कंट्रास्ट शो करने के लिए यूज़ करते हैं. सो हाउएवर द हेल्थ केयर सेक्टर हैज़ नॉट ऑलवेज बीन अलाइव टू द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट बिहेवियरल चेंजेस. अब ये शिफ्ट तो आ गया पिछले डेकेड में, लेकिन जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है उसने जो रिक्वायर्ड शिफ्ट होना चाहिए था उसमें वो चेंज नहीं आया. जैसे द हेल्थ केयर सेक्टर इज़ नॉट ऑलवेज बीन अलाइव टू बी अलाइव टू मतलब कि टू बी अलाइव टू द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट बिहेवियरल चेंजेस. ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं है. ठीक है, किस चीज़ को लेके ब्रिंगिंग अबाउट बिहेवियरल चेंज. ब्रिंग अबाउट मतलब टू कॉज समथिंग, कुछ टू मेक समथिंग हैपन, किसी चीज़ को करना. तो वो दे हैव नॉट ऑलवेज बीन अलाइव टू ब्रिंगिंग अबाउट बिहेवियरल चेंजेस. वो बिहेवियरल चेंजेस जो लोगों में होने चाहिए वो नहीं ला पा रहे. ठीक है, ओके. सो बीन अलाइव टू, यहाँ हम कह सकते हैं हैज़ नॉट ऑलवेज बीन अलाइव टू द टास्क ऑफ, दैट मीन्स दे हैव नॉट बीन रिस्पॉन्सिव टू. सो द NCD मॉनिटरिंग सर्वे फॉर इंस्टेंस रिवील्ड दैट द कंट्री लैक मतलब कमी है उस चीज़ की, क्या, एडिक्वेट काउंसलिंग फैसिलिटीज फॉर डायबिटिक्स. सो एडिक्वेट मतलब सफिशियंट, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नहीं है काउंसलिंग फैसिलिटीज. दीज कैवीट्स क्या होती हैं, अब यहाँ पर ये कौन सी कैवीट्स की बात हो रही है, यहाँ पर ये वार्निंग्स की बात हो रही है. कौन सी वार्निंग्स की बात हो रही है, यहाँ पर जैसे शिफ्ट हुआ, ट्रांजिशन हुआ NCDs से कम्युनिकेबल डिजीजेस से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे, जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसने वो शिफ्ट उसमें नहीं आया रिक्वायर्ड शिफ्ट, और जो कंट्री है वहाँ पर काउंसलिंग फैसिलिटीज़ की कमी है, एडिक्वेट काउंसलिंग फैसिलिटीज़ की डायबिटिक्स के लिए. तो ये सब चीज़ें क्या हैं, वार्निंग है. दीज कैवीट्स एंड द अलार्म बेल्स रंग बाय द लैंसेट स्टडी. लैंसेट स्टडी शुरुआत में मेंशन की थी हमारे पैसेज के, तो उसने भी कुछ अलार्म बेल्स रिंग किए थे. उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट यहाँ पे इन द नेक्स्ट 5 years जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, तो ये कहा था. तो वो अलार्म बेल्स रंग बाय द लैंसेट स्टडी. तो रिंगिंग द अलार्म बेल्स मीन्स कि किसी चीज़ के की वार्निंग देना, ठीक है, अलार्म क्रिएट करना किसी चीज़ को लेके, तो वो लैंसेट स्टडी नहीं किया था. तो इन दोनों चीज़ें, ये जो वार्निंग्स हैं और जो अलार्म लैंसेट स्टडी ने साउंड किया, वो दे शुड बी हीडिड अर्जेंटली. हीडिड मीन्स कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, ठीक है. दे शुड बी कंसिडर्ड एंड दे शुड एंड एक्शन शुड बी टेकन अपॉन देम. सो दे शुड बी हीडिड अर्जेंटली, ठीक है. लाइफ स्टाइल डिजीजेज कैरी एन इकोनॉमिक कॉस्ट. WHO एस्टिमेट कैलकुलेट्स दे कुड कॉस्ट इंडिया $6 trillion बाय 2030. ठीक है, तो ये हमने देखा कि ये पूरा जो पैसेज था ये था कि जो शिफ्ट है इंडिया में कम्युनिकेबल डिजीजेज से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज पे. तो ये सब हमने वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो इम्पॉर्टेंट थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने देखे. ठीक है, आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और इनका PDF भी अवेलेबल होगा. ठीक है, सो थैंक यू.